सोलन में जब भी कोई घटना घटित होती है तो वहां मदद के लिए सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। जो भी पीड़ित परिवार होता है उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रविघाट में भी पहाड़ से पत्थर गिरे जिनके गिरने से भवन को भारी नुकसान पहुंचा है। भवन में दरारें आ गई है और दो लेंटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जब यह घटना घटी तो उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। विधायक द्वारा मौके का मुआयना किया गया और परिवार को उनके द्वारा ढांढस बंधाया गया। जिला प्रशासन को मौके पर बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिक जानकारी देते हुए विधायक धनीराम शांडिल ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की खबर लगी वह मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा मौके का मुआयना किया गया। मौके पर पाया गया कि अभी भी भवन पर पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि घर का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए उनके द्वारा फौरी राहत के तौर पर 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वही अगर आवश्यकता होगी तो और धन राशि भी जारी की जाएगी। ये एरिया इतना सेफ नहीं है घर बनाने की दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों में घर बनाने से पहले लोगों को आगाह करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि भाई। और दूसरी बात है कि देखो, एक तो सामने नज़र आ रहा है कि अभी और भी ना जाने इसकी नुकसान हो जाए, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, इलाका जैसा दिख रहा है कि भाई कहीं और ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। तो यहाँ तो सावधानी लेनी पड़ेगी, या तो कोई बैरिकेड बनाने पड़ेंगे, या नहीं तो शिक्षा संबंधी पायों को देने से। मैं अभी प्रशासन से बात करूँगा कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे रिहायशी मकान हो और जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब रह रही हो, मैं समझता हूँ दुर्घटना को रोकने के सभी उपायों को सोचना बहुत ज़रूरी है। और सुरक्षा संबंधी उपाय तो यही है कि भाई ऐसे में पहले तो ऐसे खाने बंद ना की जाए, रियली स्पीकिंग। एंड सुरक्षा तो यही कहती है। और मैं तो ये कहूँगा ऐसे इलाकों में रहने के स्थान भी नहीं बनने चाहिए, बिकॉज ये तो ह्यूमन लाइफ पे डेंजर है, कभी भी कुछ ऊपर से आ सकता है। इन जगहों में तो घर बनना ही नहीं चाहिए। रियली स्पीकिंग तो काफ़ी क्षति नज़र आ रही है जैसे मैं देख रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक ये इसका कुछ ठीक तरीके से सुरक्षा ना की जाए, इसमें रहना खतरे से खाली नहीं होगा। और इनका अल्टरनेटिव प्रशासन से बात भी करूँगा। रेंजर पहुँचे तो सारी रात सारे जागते ही रहेंगे कि ना जाने किस वो पत्थर आ जाए ऊपर से, उसने कहाँ सुनेंगे लोग। और उन्होंने कहा कि इसमें उनके भी भेज रहे हैं, जॉइंट इन्फेक्शन हो रही है इसमें, और कुछ कैसे प्रावधान इनकी सुरक्षा का करना है, किस प्रकार से ये रह सकते हैं या कैसे हम पे, ताकि पत्थर से कोई नुकसान ना हो। तो माइनिंग टीम भी आएगी और प्रशासन की टीम भी आ रही है, दोबारा आ रही है। और अभी इनको फिलहाल मैं भी अपनी निधि से इनको 21,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ फॉर द इमीडिएट रिलीफ ना। बाकी और भी इनकी दिक्कतें होगी तो फिर वहाँ से प्रावधान देख के और कर देंगे। और दूसरी प्रशासन भी इनको पैसा दे रहा और भी मदद करेगा।